पूज्य सिंध हिंदू महापंचायत द्वारा युवा उद्योगपति स्वर्गीय कैलाश राजवानी की पुण्यतिथि के अवसर पर जवाहर चौक स्थित विक्रम कला सभा भवन में डॉक्टर त्रिशिता राजवानी और उनकी टीम के द्वारा शहर में पहली बार चर्म रोग के निदान हेतु शिविर आयोजित किया गया। शुभारंभ पूर्व मंत्री विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने स्वर्गीय राजवानी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। संबोधित करते हुए वर्मा ने कहा कि कैलाश राजवानी बड़ी दूरदृष्टि के युवा उद्योगपति थे, उन्हें घटनाओं का पहले से ही अनुमान हो जाता था, साथ ही वह उनका निदान भी बता दिया करते थे। वे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी थे। उनका असमय जाना निश्चित रूप से दुखद रहा है, लेकिन उनकी स्मृति में मनोज राजानी और उनके परिवार के द्वारा हमेशा लोगों के हित में काम किए जाते रहे हैं। आज जो उन्हें चर्म रोग का शिविर लगाया है, यह रोग भी बहुत घातक है, समय रहते इसका इलाज भी आवश्यक है। मैं डॉक्टर त्रिशिता और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह पुनीत और पुण्य का काम किया। आज में आप अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं, आज भी आपने पूज्य सिंध हिंदू पंचायत के तहत कार्यक्रम रखा है, किस तरह का आयोजन? मेरे अनुज स्वर्गीय कैलाश राजानी जी की पुण्यतिथि आज, और हम हर वर्ष जनसेवा का एक माध्यम रहता है कि हम कुछ ना कुछ नया करें। पिछले सालों में हमने हेलमेट वितरण भी किए और मैराथन भी कराई थी एक बार, पिछले वर्ष कोरोना की वजह से नहीं कर पाए थे हम लोग, तो इस वर्ष क्योंकि घर की बहू स्किन स्पेशलिस्ट है, MD है, मेरे डॉक्टर हैं, तो हमने प्लान किया था कि एक चर्म रोग शिविर लगाया जाए, क्योंकि देवास में एक इसकी बहुत आवश्यकता थी। तो सिंध हिंदू पंचायत देवास के माध्यम से हमने यहाँ पर उन्हें आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए, क्योंकि आज पुण्यतिथि दिवस है। और तत्पश्चात डॉक्टर त्रिशिता राजानी द्वारा, जो कि MD स्किन है, वो उनका परीक्षण निःशुल्क कर रही हैं और दवाइयाँ भी हम लोग निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। आज चूँकि छोटे भाई का आज पुण्यतिथि का दिवस है, तो हमारी कोशिश होती है कि एक जनसेवा इसके इस दिन हो जाए, जिससे जनता को लाभ मिल सके। और मैं आज देख रहा हूँ कि 200 से ज़्यादा पेशेंट अभी तो शुरुआत हुई है, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसके बाद भी हमने प्लान किया है कि इसके बाद भी, जो क्योंकि आज एक दिन में एक डॉक्टर को इतना देख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो 200 पेशेंट आज देखेंगे, उसके बाद जितने भी नंबर और आ रहे हैं उनको क्लिनिक पर बुलाकर फ्री ऑफ कास्ट, जिनके आज रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाएंगी, चाहे वो संख्या कितनी भी हो जाए, उनको क्लिनिक से उनका उपचार किया जाएगा और उनको फ्री दवाइयाँ भी दी जाएगी। राजानी हूँ, चर्म रोग विशेषज्ञ, और आज मेरे चाचा ससुर स्वर्गीय श्री कैलाश जी राजानी की स्मृति में हमने यहाँ देवास में चर्म रोग का शिविर ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ मैं और मेरी टीम सारे पेशेंट्स को परामर्श निःशुल्क दे रहे हैं। उसके साथ साथ सारी इम्पोर्टेंट चर्म रोग की बीमारियों की दवाइयाँ भी हम यहाँ पर फ्री सारे पेशेंट्स को दे रहे हैं। और हमारा मिशन ये है कि देवास में जो अवेयरनेस की कमी थी और जो चर्म रोग के डॉक्टरों की कमी थी, उसको हम इस जरिए पूरा करें। और उसके साथ साथ एक पेशेंट का विश्वास बना रहे डॉक्टर के ऊपर, उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत न पड़े और सारी चीज़ें उन्हें यहाँ उपलब्ध हो जाए, ये हमारे परिवार और समाज के सारे बड़े वरिष्ठ लोगों की मेहनत से और उनका सपना जो था वो आज पूरा हो रहा है। हमारी संकल्प ये है कि हम सारे मरीजों को सबसे बेहतरीन इलाज प्रदान करें और आगे भी इस तरीके के शिविर का आयोजन होता रहे, ताकि देवास के लोगों को जो भी बेसिक मेडिकल फैसिलिटी है, यहाँ पर हमारे पास MD मेडिसिन डॉक्टर भी हैं, इंटर्न डॉक्टर्स भी हैं, जो एक रेगुलर चेकअप जो नहीं हो पाता है, BP, थायराइड, शुगर का, वो भी प्रदान कर रहे हैं। तो इस माध्यम से सारे पेशेंट को जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलने चाहिए उसको प्रदान करने की हमारी देखने में आता है कि चर्म रोग की जो बीमारी है उसका इलाज काफ़ी लंबा चलता है, आपका देवास में आना हुआ है, तो आगे से मरीजों को इंदौर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा मिशन था कि यहाँ पर एक फुली इक्विप्ड सेंटर हो, कि पेशेंट को बार बार इतनी दूर जाकर इलाज कराने का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए और उनको सारी चीज़ें यहीं पर उपलब्ध। किस तरह की डिसीज आज देखने में आई स्किन के संबंध में? आज हमने काफ़ी अलग अलग टाइप की डिजीजेज देखी हैं, इसमें फंगल इन्फेक्शन, जो दांत दराद कहते हैं, वो काफ़ी पेशेंट्स थे, एक्जिमा के, सोरायसिस के, सफ़ेद दाग के सारे पेशेंट्स थे,
इसके अलावा जो कुछ दाग धब्बे चेहरे के बालों के और बच्चों के जो बीमारियां हैं वो भी हमने अभी काफ़ी सारी